साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। कोतवाली शहर के क्षेत्रगंज इलाके में देर शाम ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आपस में भीषण भिड़ंत हो गई है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार जयवीर पुत्र देवराज उम्र 27 वर्ष निवासी जहानाबाद चौकी गंज थाना बिजनौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि सुनील पुत्र हरीश सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी जहानाबाद चौकी गंज थाना बिजनौर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस के द्वारा बिजनौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने सुनील की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घर में दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंज के सामान के लिए निकले थे। मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? से बिलोंग करता हूँ। ये जो डेथ हुई है ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरा भतीजा है। ये कैसे डेथ हुई इनकी? ये बाइक से आ रहे थे या जा रहे थे जहानाबाद की तरफ से। ये एक मामला है देव प्रकाश है एक चक्की वाले उनके वहाँ का मामला ट्रैक्टर की और इनकी जो है मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई। ये बाइक सवार दो थे। एक ये है इसी स्थिति में है और एक मेरा ड्राफ्ट कर दिया गया। किस समय पहले ही घटना है? लगभग ये 6:30 के आसपास, 7 के आसपास से बिछड़ा हुआ। मेरा नाम तहजीब है, ग्राम प्रधान जहानाबाद का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पंचायत का ही मामला है लड़का जो है। ये आज एक सड़क दुर्घटना हुई है, क्या मामला है? इसमें सुनने में ऐसा आया है कि ये एक तो ट्रैक्टर था निजात पे वाला लड़का शास्त्री का नाम है और ये दोनों पता नहीं आ रहे थे या जा रहे थे, इनके आपस में टक्कर हुई और इसकी तो मृत्यु हो गई जयवीर की, और जो दूसरा लड़का है लिया गया उसे मेड़ ले गए हैं। हालत उसकी भी गंभीर है। ऊपर वाला भी जिसे परवरदिगार, उसके भी बच्चे हैं, इसकी भी एक बेटी है, अकेला ये लड़का था बेचारा अपने बाप के। और बाप इसका इतना सीधा है क्योंकि मेरा बहुत करीबी थे, परमानेंट मेरे पास जाके बैठता था उसका बाप। बस यही है। और किस समय की घटना है? लगभग मैं मानता हूँ मैंने नमाज जो है 7:15 पढ़ी है, तो मैं मान लिया 7 करीब मसला है। 7:15 मेरे पास टेलीफोन गया है कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया। जब हम लोग ये गन से एक्सीडेंट का मामला आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दो लोग आए थे, एक सुनील और एक जयवीर। तो जयवीर तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उनके वहीं पे, और जो सुनील थे वो ज़्यादा गंभीर थे, इस वजह से उनको जो है मेरठ रेफर कर दिया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए न...